दरभंगा में 700 बेड और 1237 करोड़ रुपए के एम्स निर्माण की पहली प्रत आज हुआ भूमि पूजन। दरभंगा के कर्पूरी चौक और बेता थाना के बगल में आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों के द्वारा आज भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर फटाके छोड़े गए एवं आशा व्यक्त की गई कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि अब लोगों को एम्स के लिए यहां से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सभी ने मिट्टी पर खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई। बहुत विलम्ब हो रहा है, लेकिन अब जमीन मिट्टी का काम चालू हो गया और जल्द ही मिट्टी का काम हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी से उनका शिलान्यास करेंगे और लोगों को अब इलाज के लिए बाहर जाते नहीं जाना पड़ेगा। बड़ा दिन है दरभंगा के लिए और दरभंगा में एम्स बनेगा। नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगेगा तो होगा जुर्माना। लहरिया सराय में पुलिस ने काटा 2000 रुपए का चालान। लहरिया सराय के कचहरी रोड से लेकर समाहरणालय तक में नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगाने वालों को अब चालान काटा जाएगा। इसी के तहत एक चार पहिए वाहन जो नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगाकर अपने कार में चला गया था, बाद में पुलिस की निगाहें पड़ी तो उसे चालान काटा गया। 2000 रुपया चालान काटने के बाद उसे हिदायत दी गई कि किसी भी तरह आप नो पार्किंग जोन में अगर गाड़ी लगाते हैं तो जुर्माना वसूला जाएगा। गौरतलब है कि पुलिस ने नो पार्किंग जोन से बाहर गाड़ी लगाने का विशेष निर्देश सभी को दिया था। में उत्पाद विभाग के द्वारा 2 महीने में जब्त 1637 लीटर शराब को परिसर में किया गया नष्ट। दरभंगा के उत्पाद विभाग के उप अध्यक्ष ओम प्रकाश के द्वारा 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक 2 महीनों में जब्त कुल 1637 लीटर शराब को उत्पाद विभाग कार्यालय के परिसर में नष्ट किया गया। इस मौके पर बताया गया कि कई जगह छापेमारी के बाद शराब जब्त किए गए थे, जिसमें 1637 लीटर देशी और विदेशी शराब थे, जिसे पुलिस के निगरानी में सभी को नष्ट किया गया। दरभंगा में लगातार छापेमारी के बाद शराब बरामद की जाती है, जिसके 2 महीने के बाद उसे नष्ट भी किया जाता है। प्रबंधन विभाग के द्वारा भूकंप रोधी सप्ताह 15 से 21 तारीख को मनाया गया। दरभंगा में भूकंप सुरक्षा सप्ताह के तहत 15 से 21 जनवरी समापन के दिन सभी जगह पोस्टर बैनर लगाकर नुक्कड़ नाटक एवं जागरूकता के जरिए आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी ने बताया कि नेपाल से सटे होने की वजह से लोगों को भूकंप से संबंधित जानकारी दी जा रही है। जानते हैं कि पूरे राज्य में भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, इसके संबंध में जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा भी विभिन्न प्रकार की तैयारियां की गई हैं। यद्यपि कोविड के मद्देनजर हम लोग गैदरिंग और क्राउड गैदरिंग, नुक्कड़ नाटक, इन चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, बट प्रचार प्रसार हेतु जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एक विस्तृत पत्र सभी अंचल अधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है, ताकि लोकल लेवल पे वो प्रचार कर सके। इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए भी है हमारे इस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को अवेयर होने के लिए, क्योंकि ये नेपाल के तराई रीजन के निकट पड़ता है। दरभंगा में सेवा प्राधिकार के द्वारा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत पीड़ितों के बीच किया गया चेक का वितरण। दरभंगा जिला सेवा प्राधिकार के द्वारा जो पीड़ित हैं तेजाब से या रेप पीड़ित हों या भूले भटके बच्चे हों, वैसे बच्चों के बीच में सरकार के द्वारा चेक का वितरण 1 लाख रुपए तक का किया गया। आज जावेद आलम के द्वारा कई पीड़ितों के बीच चेक का वितरण किया गया। आज जो है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत कुछ पीड़ितों को हम लोग आज चेक दे रहे हैं, जिसका अमाउंट जो है लगभग 1 से 1 लाख है। 1 लाख तक का हम लोग आज दे रहे हैं। पिछले बार भी हम लोग कुछ कंपनसेशन दिया गया था। ये दो तरह से आता है यहाँ पे। एक है कि अगर कोई रेप विक्टिम है या जो मतलब एसिड का शिकार हो गई है, या वैसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप चले गए और उसका कोई बेस लाइन नहीं है, तो वो सारे लोगों को हम लोग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम बिहार सरकार की ओर से उनको कंपनसेशन दिलाते हैं। दरभंगा में एम्स की जमीन पर मिट्टीकरण के कार्य की शुरुआत दरभंगा सांसद और विधायकों के द्वारा। दरभंगा में नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित
एम्स की योजना को लेकर के आज तब खुशी की लहर देखने को मिली जब दरभंगा के कर्पूरी चौक के पास एम्स की प्रस्तावित जमीन पर मिट्टी गिराकर इस कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि ये मुख्यमंत्री ने 15-16 में ही इस बजट में पारित किया था, जिसे अब अमलीजामा पहनाया गया। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में था जो मिथिला के केंद्र दरभंगा में एम्स का निर्माण हो, जिसके लिए उन्होंने 15-16 के बजट में ही इस विषय को लाया था। लेकिन जो DMCH का प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा दिया गया था, तो भारत सरकार ने कहा जो 200 एकड़ हमको जमीन चाहिए, DMCH हम नहीं लेंगे। तो जब हमने यहाँ से लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के शुभकामना से सांसद बने। दरभंगा में दोकरी चुट्टी में घर से खेत जा रही महिला को मारा वाहन ने ठोकर, गंभीर अवस्था में घायल, DMCH में हुई मौत। दरभंगा के दोकरी चट्टी में की महिला अपने घर से खेत जा रही थी, इसी क्रम में तेज वाहन की चपेट में आने से दुर्घटना हो गई, DMCH आते उसकी मौत हो गई है। दोकरी चट्टी कैसे हुआ एक्सीडेंट? गाड़ी से। कौन सा गाड़ी मारा है? अभियान कितने बजे हुआ एक्सीडेंट? 12:30। कौन लगेगी आपकी? सासू माँ। सासू माँ कितने साल की थी? 60 साल की। हाँ, और कहाँ से कहाँ जा रही थी जो धक्का मारा है? अपना खेत देखे के लिए जा रहा है, घर से दूरी छे कम है। क्या नाम है इनका? दरभंगा DMCH के आइसोलेशन में 12 लोगों का वो RT-PCR टेस्ट कोई भी नहीं निकला पॉजिटिव। दरभंगा DMCH के आइसोलेशन में 12 लोगों का RT-PCR टेस्ट किया गया, जिसमें सभी निगेटिव पाए गए हैं। वहीं एक आदमी जो आइसोलेशन में पॉजिटिव रह रहा था, उसे भी निगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस बात की जानकारी वहाँ के हेल्थ मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर ने दी। आज 12 हुआ है सर। कितना उसमें पॉजिटिव निकला है? कितना निकला? आज पॉजिटिव नहीं निकला है सर। वो पेशेंट जो भर्ती था, वो जो पेशेंट भर्ती था वो डिस्चार्ज हो गया है। दरभंगा DMCH के विकास के लिए अधीक्षक ने कहा कि अब ये 240 बेड का DMCH होगा। दरभंगा DMCH और एम्स को परिसमन को लेकर के लगातार चर्चा जोरों पर है। जहां आज एक तरफ एम्स की जमीन पर मिट्टीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, वहीं दरभंगा DMCH के लिए ऑफिशियली जो 75 एकड़ की बात हुई है, इसे DMCH का विकास होगा। दरभंगा DMCH के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने कहा यह ऑफिशियली ही सूचना मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था कि एम्स 150 पर बनेगा और 75 पर DMCH। तो मुख्यमंत्री एक मीटिंग किए थे और रिव्यू किए थे एम्स और DMCH के कामों का, तो उसमें मुख्यमंत्री जी का ही ये हुआ कि भाई 150 एकड़ ज़मीन काफ़ी है किसी एम्स के लिए, और देश में कई एम्स जो हैं वो 100 एकड़ और 125 एकड़ में हैं, तो फिर दरभंगा एम्स को इतना ज़मीन देने से DMCH का विकास बाधित होगा। और DMCH हमारा जो है 90 से, जिसमें हमें एम्स की घोषणा हुई थी, 90 सीट था, अभी हम लोग 120 हैं और बहुत जल्द ये 250 सीट का मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है। टोल थाना प्रभारी ने मोहम्मदपुर के शंभू साहनी को किया शराब मामले में गिरफ्तार। कमतौल थाना क्षेत्र में शंभू साहनी 293/21 के वांछित शराब माफिया को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि शराब मामले पर उस पर कई बड़े आरोप थे और कई बार शराब बरामद भी की गई थी। पुलिस ने 293/21 में फरार हुए इस शंभू साहनी मोहम्मदपुर के निवासी को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया।